सुर कोकिला मशहूर गायिका लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अभी भी आईसीयू वार्ड में हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी से मिली जानकारी के अनुसार कल से उनकी तबीयत में सुधार है। हालांकि उन्हें आईसीयू में बेहतर स्वास्थ्य को लेकर निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा, उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आप सभी भी प्रार्थना करें। मालूम हो कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 11 जनवरी से कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। वह निमोनिया से भी पीड़ित थी। इससे पहले सितंबर 2019 में लता मंगेशकर चेस्ट के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। कुछ दिन इलाज के बाद वह स्वस्थ हो घर लौट आई थी। बता दें कि कुछ दिन पहले उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया था कि लता दीदी कोविड से संक्रमित हैं। इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उन्हें अस्पताल में देखने नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि अस्पताल की नर्स व डॉक्टर उनका पूरा ख्याल रख रही है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। जानकारी हो कि भारत की कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजी जा चुकी लता मंगेशकर को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जानकारी हो कि हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी से मिली जानकारी के अनुसार उनकी हालत में अब पहले से सुधार है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें निमोनिया की भी शिकायत थी। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने सभी से उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने को कहा है।